मध्य प्रदेश में नए कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 18 मंत्री, 6 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। मोहन सरकार में इस बार 5 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है। लेकिन मोहन कैबिनेट में एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है चैतन्य कश्यप। दरअसल चैतन्य कश्यप प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं, जिन्हें मोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। रतलाम सीट से विधायक चैतन्य कश्यप के पास 294 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। आपको बता दें, चैतन्य कश्यप लगातार तीसरी बार रतलाम से विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। चैतन्य कश्यप मध्य प्रदेश के टॉप 10 रईस विधायकों में पहले नंबर पर भी हैं। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप 16वीं बार विधानसभा में रतलाम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। आपको बता दें, कश्यप ने सैलरी भी लेने से मना कर दिया है। चैतन्य ने विधानसभा की कार्यवाही के शुरू होने के पहले सदन को इसकी सूचना भी दे दी थी। अब चैतन्य कश्यप को मोहन सरकार में मंत्री बना दिया गया है। चैतन्य कश्यप ने कहा था कि उनके वेतन भत्तों की राशि सरकारी खजाने में जमा करा दें। वो बोले, राष्ट्र सेवा और जनहित मेरा ध्येय है। किशोर अवस्था से ही सामाजिक कार्यों में अग्रसर हूँ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जन सेवा में थोड़ा योगदान कर सकूं, इसलिए वेतन भत्ते और पेंशन नहीं लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के विधायकों को 30,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, जबकि निर्वाह क्षेत्र भत्ता 35,000 रुपए, भत्ता 10,000 रुपए, कंप्यूटर ऑपरेटर भत्ता 15,000 रुपए मिलता है। इस तरह से करीब विधायक को करीब हर महीने 1,10,000 रुपए मिलते हैं। खैर, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर चैतन्य कश्यप की कमाई होती कहां से। मंत्री चैतन्य कश्यप 294 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। कश्यप की सालाना आमदनी 37 लाख रुपए है। उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चैतन्य कश्यप का धार जिले के बदनावर में कश्यप स्वीटनर्स और कश्यप विद्यापीठ के नाम से स्कूल भी है। इनकी महाराष्ट्र में 2 फैक्ट्रियां भी हैं। चैतन्य कश्यप के 2 बेटे हैं, दोनों मुंबई में ही रहते हैं। एक बेटा सारा कामकाज भी देखता है। इसके अलावा आपको बता दें, चैतन्य कश्यप साल 2002 से लेकर 2013 तक बीजेपी में कई पदों पर रहे हैं, जिसमें एनजीओ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी प्रदेश के कोषाध्यक्ष शपथ शामिल है। इसके बाद साल 2013 में उन्हें उज्जैन की रतलाम सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था। उस वक्त पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के टिकट काटकर उन्हें मौका दिया गया। तब से लेकर अब तक चैतन्य कश्यप लगातार 3 बार से सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं और इस बार उन्हें मोहन सरकार में मंत्री भी बना दिया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।